हाँ सो गाइस, कैसे हो आप लोग। ये है वीडियो कि $6,000 का फ्रॉड हुआ मेरे क्लासमेट के साथ, तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि कौन सा फ्रॉड कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या गलतियाँ थी, गलती किसकी थी मेनली। तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरी एक क्लासमेट है, उसने अपनी GIC कभी यूज़ नहीं की। उसकी GIC उसके चेकिंग अकाउंट में आती रहती थी, ठीक है, चेकिंग अकाउंट में आती रहती थी, और जो वो शिफ्टें लगा रही थी उसके पैसे भी सिन के चेकिंग अकाउंट में आते रहते थे। तो हुआ क्यों, हुआ ये है कि किसी मॉन्ट्रियल के पर्सन ने स्कोशा बैंक को फ़ोन किया था, कार्ड नंबर मुझे पता नहीं कैसे आ गया, तो कार्ड डिटेल्स दे के उसने दूसरा डेबिट कार्ड इशू करवा लिया, और क्रेडिट जो डेबिट की लिमिट होती है, हम $1,000 एक दिन में निकलवा सकते हैं, उसने 5,000 कर ली थी, तो $5,000 डेबिट लिमिट उसने बढ़वा ली थी। और 2-4 दिन पहले ना मेरे फ्रेंड को वो आया था मैसेज, मैसेज नहीं, ईमेल आई थी कि आपका $1,000 विड्रॉल हुआ है यहाँ मॉन्ट्रियल पे। फिर ऐसे 5 ईमेल्स आई, 5 ईमेल्स आने के बाद क्या हुआ, उसे उसे लगा फेक है, पर जब सुबह उसने अकाउंट खोला अपना एप्लीकेशन में स्कोशा बैंक में, तो उसके $1,000 रह गए थे। तो वो इमिडिएटली उसने स्कोशा बैंक को कॉल किया, तो उन्होंने कार्ड ब्लॉक कर दिया। तो वो स्कोशा बैंक वाले कहते कि अगर आपने कार्ड ना ब्लॉक किया होता तो वो $1,000 भी चले जाते। तो गलती हुई कहाँ, यहाँ हम बेसिक गलती पे आते, गलती किसकी थी, गलती मेरे फ्रेंड की थी कि उसने चेकिंग अकाउंट में पैसे रखे थे, नो गलती थी बैंक की। बिकॉज यहाँ पे क्या सिस्टम है, इंडिया के बैंक चाहे थी मतलब काम स्लो करते लेकिन बहुत सिक्योर है। क्यों, अगर आप यहाँ पे कोई शॉपिंग करते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, आपको कोई SMS नहीं आता, कोई भी SMS नहीं आता, ना मेल आती है, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन की, चाहे $5 $6, बस ये आते जब आप किसी को पैसे सेंड करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तब उसकी मेल आ जाती है कि आपने इस बंदे को इतने पैसे इतने डॉलर आपने ट्रांजैक्शन किया, पर कोई मैसेज नहीं आता। तो ये मुझे सिस्टम सही नहीं लगा। और सेकंड है, स्कोशिया बैंक वालों को वेरिफिकेशन के लिए बहुत वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, वो दूसरा डेबिट कार्ड कैसे कैसे इशू कर सकते हैं, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और जो विड्रॉल हुआ उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कोशिया बैंक ही ले रहा है, क्योंकि ना मेरी फ्रेंड ने कॉल की, ना मेरी फ्रेंड मॉन्ट्रियल में रहती है, वो रहती है किचनर में, ठीक है, और बिना पूछे पता नहीं क्यों डेबिट कार्ड इशू किया। पर उसके पास डेबिट कार्ड इशू हो के कैसे आया ये भी मुझे कंफर्म नहीं है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फीस के लिए पैसे इकट्ठे करो, यू कैन पे लाइक मंथली $1,000 आप मंथली पे कर लो, जितना भी बचा रहे हो तो चेकिंग अकाउंट में आप रख सकते हो। वो रेयर केस हुआ है मेरी फ्रेंड के साथ, अदरवाइज मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि फ्रॉड कैसे हुआ है। उसको पैसे आ ही जाएंगे, बैंक वालों को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये पूरी गलती बैंक वालों की है, मेरी फ्रेंड की नहीं है। तो गैस इसी फ्रॉड से बचा करो, और इसका सोल्यूशन यही है, अपना डेबिट कार्ड कहीं किसी के मोबाइल में ना यूज़ करो, लैपटॉप में ना यूज़ करो, सेव ना करो, क्योंकि कई हैकर्स होते हैं वो हैक कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ईजी है, जैसे अगर मेरा क्रेडिट कार्ड है, मेरे क्रेडिट कार्ड का आप नंबर डालोगे, पीछे CVV डालोगे, कोई भी शॉपिंग कर सकता है। $1,000 की लिमिट है, $1,000 गए मतलब ₹50,000 आपके गए, ठीक है, फिर आप किसी को की हेल्प भी नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में फ्रॉड होते हैं वैसे यहाँ पे भी फ्रॉड होते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इस सब चीज़ों से बचो, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छी लगी वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। हफ्ते में 2 वीडियो आएंगे, एक वेडनेसडे को आएगी, एक सैटरडे को आएगी, 7 बजे शाम को, ठीक है। अपना ख्याल रखना गाइस, ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे।